इस्लाम को मैं खत्म कर दूंगा, खत्म हो जाना चाहिए कोरोना जैसा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने सनातन धर्म की तुलना मलेरिया और डेंगू से करने वाले लोगों के परखच्चे उड़ा दिए हैं। हिमंत बिस्व शर्मा ने सनातन धर्म को खत्म करने की बात करने वाले डीएमके नेता उदय निधि स्टालिन पर जमकर भड़ास निकाली है। सनातन धर्म के अपमान से गुस्से में बैठे हिमंत बिस्व शर्मा ने इस्लाम और ईसाई धर्म को ही लपेट लिया। हिमंत ने कहा कि हिंदू और सनातन के खिलाफ साजिश की सरगना कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि जो बयान उदय निधि ने दिया है ठीक वही बयान पी चिदंबरम के बेटे ने भी दिया था, यही बयान मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दिया और अब ठीक यही बयान मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे का भी है। यानी देश में हिंदू और सनातन के खिलाफ कांग्रेस साजिश रच रही है। गुस्से में बैठे हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि अगर कोरोना वायरस की तरह इस्लाम और ईसाई धर्म को खत्म कर दिया जाए तो आप क्या कहेंगे। आइए आपको हिमंत बिस्व शर्मा का ये धमाकेदार बयान सुनवाते हैं। देखिए, स्टालिन से मेरा बहुत प्रॉब्लम नहीं है, मेरा प्रॉब्लम कांग्रेस से है। स्टालिन ने जो बात बोला है सेम बात चिदंबरम का बेटा ने भी बोला है, सेम बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बोला है और खड़गे का बेटा ने भी बोला है। तो जो सनातन को ध्वंस करूंगा ये जो मकसद है, ये खाली मकसद स्टालिन जी का बेटा का ही नहीं है, इस मकसद में पूरा कांग्रेस पार्टी है। और आज जो कांग्रेस पार्टी ने बोला कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं उनको पूछना चाहूं कि कल अगर मैं मुसलमान का खिलाफ ऐसा बयान दे दो या मैं क्रिश्चियनिटी का खिलाफ वो बयान दे दो, क्या कांग्रेस बोलेगा ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है? अगर कोई लोग बोले, भारत का कोई भी लोग बोले कि इस्लाम को मैं खत्म कर दूंगा, खत्म हो जाना चाहिए कोरोना जैसा, या क्रिश्चियनिटी को खत्म करना चाहिए, क्या कांग्रेस तब भी बोलेगा ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है? हमारा ये बात है ना हिंदुइज्म, ना इस्लाम, ना क्रिश्चियन, आप खत्म करने का बात क्यों बोलता है, एनहिलेट करने का बात क्यों बोलता है, वो तो ठीक बात नहीं है। तो इसका जो मेन कल्प्रिट है और मेन जो किंग पिन है वो राहुल गांधी ही है, उनका इशारा में ही लोग ये सब बात। तो बिस्व शर्मा ने बोला है कि महंगी सब्जियां जो हुई हैं, हाँ, मियां मुसलमान जिम्मेदार हैं। हाँ 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 हाँ, ये इसको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, ये बाबा को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि इसने क्या दिमाग लगाया। माने देश को पूरे 100 करोड़ जनता को उठकर थाली मारना चाहिए कि तरकारी की कीमत बढ़ गई क्योंकि बंगाली बोलने वाले मुसलमानों की वजह से। अरे क्या साइंटिस्ट है ये, मोदी जी ने चुन चुन के एक एक अनमोल रतन को पाला है जो देश को बेवकूफ समझते हैं कि तरकारी की कीमत बढ़ गई तो बंगाली स्पीकिंग मुसलमान पे डाल दो, मियां पे डाल दो। अच्छा, वो जो अब मोदी जी जाकर पूरे विदेश जा रहे हैं तो उसके जिम्मेदार भी क्या बंगाल मियां है? अब जब यूएई में उतरे हैं मोदी जी, अभी दुबई में, मियां ही से तो मिल रहे हैं ना, मियां ही से तो मिल रहे हैं, अब आप किनको मियां से तकलीफ। यही देखिए, ये इनका नफरत की राजनीति करते हैं बीजेपी, इसमें हमको मालूम है। सर, अंतिम सवाल, लोकसभा चुनाव सर पे है और विधानसभा, इस सूबे तेलंगाना का भी विधानसभा चुनाव होना है, सीटों को लेकर काफी चर्चा है कि आप परंपरागत रूप से जितनी सीटों पे लड़ते थे उससे ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे, या तो सूबे में या फिर लोकसभा चुनाव में, कुछ तय किया है आपके पास? नहीं, जब सही वक्त आएगा पहले आपको बताएंगे और ऑन रिकॉर्ड बताएंगे। नहीं नहीं, आप सुन लीजिए, हम आपको ऑन रिकॉर्ड बताएंगे, अभी वक्त आया नहीं है तो आपको थोड़ा सबर करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, मीटिंग्स के दौर जारी हैं। नहीं, देखिए, कोई गुपचुप मीटिंग्स कुछ भी नहीं होती, हम लोग ये छुप छुप कर काम नहीं करते। हमारा उसूल एक ही है, प्यार किया तो खुल के करो, मुकाबला कर जिससे करना है तो खुल के मुकाबला करेंगे। तो अभी टाइम नहीं आया, टाइम आया तो बताएंगे। अरे भाई, आपसे कोई बच पाया है प्रमोद जी? इतना बता दीजिए कि जितनी सीटों पे लड़ते उससे ज्यादा पे लड़ेंगे, मैं नंबर नहीं पूछ रहा हूँ। अब ऐसा है ना, जिस दिन आप जर्नलिज्म से बेजार हो जाएंगे हम आपको अपनी पार्टी में ले लेंगे। आप में बेहतरीन दिमाग है, पॉलिटिकल दिमाग आप में है, आप खामखा वक्त खराब कर रहे हैं यहाँ पर।
सीटें ज्यादा बढ़ सकती हैं, या अब लोकसभा की ही बात कर लें, अगर तेलंगाना आप अवॉइड करना चाहते हैं लोकसभा में दो सीटों से ज्यादा, नहीं, नहीं, तीन सीटों पे लड़ती है हमारी। देखिए हमको इस बात का एजाज हासिल है कि आपके साथ जो हम इतना वक्त गुजार चुके हैं, हम समझ गए आपको, आप कहां से वार करने वाले हैं। तो अभी वक्त जब आएगा हम अपना वार करेंगे, अभी आप क्यों परेशान हो रहे हैं।